101 रुपए का सहयोग राशि प्रदान किया है। माता रानी उनके मनोकामना का पूर्ण करें। जय माता दी। नमस्कार, स्वागत है यूट्यूब चैनल संतोष बनोले। तो अभी विष्णुगढ़ रंभा बाजार टाउन में है दोस्तों। आज हम लोगों का इस इलाका में हम लोगों का आज काली पूजा हो रहा था, उसी के शुभ उपलक्ष्य पे आज मेला लगाया गया। तो आप लोग को मेला का व्यू दिखाएंगे और मंदिर का दर्शन करवाएंगे। हमारे साथ बने रहिएगा, काफ़ी मजा आने वाली है। अच्छे से शुरू करते हैं। और से आगे बढ़ चुके हैं, तो यहाँ से आप लोगों को अब डायरेक्ट लेकर चलते हैं मंदिर की ओर। तो वहाँ मंदिर का भी दर्शन करवा रहे हैं, तो चलिए अभी दिखाते हैं उधर। तो हम लोग अभी मंदिर के पास पहुँच चुके हैं, तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से मंदिर है। यहाँ पे बोर्ड भी लगाया गया है, माँ काली मंदिर रंभा विष्णुगढ़। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारे वीडियो के माध्यम से। और आप लोगों को आज का भीड़ ज़्यादा क्राउड भी देख सकते हैं इस प्रकार से। यहाँ से मंदिर का प्रवेश द्वार होता है, देख सकते हैं। यहाँ पे पुरुष प्रवेश द्वार के लिए अलग और महिला प्रवेश द्वार के लिए अलग बनाया गया है। तो ये रहा हनुमान जी का मंदिर। यहाँ माँ काली मंदिर के बगल में ही है बाबा बजरंगबली का मंदिर। आप पूजा करने के लिए आप नारियल प्रसाद वगैरह सरस से यहाँ पे उपलब्ध है, आप ले सकते हैं। यहाँ पे रोरी सिंदूर हर एक प्रकार का चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगा आप लोगों के लिए। अभी ना हम पहुँच चुके हैं कमेटी के सदस्य लोगों से, अभी बात करेंगे और मंदिर के बारे में जानेंगे। आप अपना पहले परिचय दीजिए। पांडे हैं और काली पूजा। आप आपका बाबा नंदन प्रसाद सिन्हा। जी जी जी। तो इस मंदिर के बारे में अध्यक्ष उधर हैं, माँ काली पूजा समिति के अध्यक्ष विपिन कुमार सिन्हा जी हैं यहाँ पे। और यहाँ पे बाबा भी आचार्य महोदय भी यहाँ पे उपस्थित हैं। और यहाँ पे आप अपना परिचय। शंकर प्रसाद स्वर्णकार। ठीक है। चंद्रशेखर प्रसाद सिन्हा कोषाध्यक्ष। यहाँ पे देख सकते हैं चंद्रशेखर प्रसाद सिन्हा कोषाध्यक्ष। जी जी। एवं सचिव श्री। तो इस मंदिर के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। मंदिर पिछले 100 सालों से अनवरत यह उत्सव मनाया जा रहा है। पहले तो आज से 50 साल पर जीत सिंह अवस्था में एक पूजा किया था झोपड़ी में। अब तो इसको मंदिर बन के तैयार हो गया है। इसके संस्थापक थे माधव दास थे, और एक विष्णुगढ़ में कलाल हुआ करते थे, वही लोग उन्हें उठा के मूर्ति उठाना शुरू किया था। तत्पश्चात यह कमेटी के अंदर चला गया। 14 सदस्यीय कमेटी इसको चलाया। 1978 में पुनः दूसरी कमेटी आई और 2005 से अभी तक एक माँ काली पूजा समिति नाम से एक अलग कमेटी फॉर्म की, इसमें 28 सदस्य हैं और यही देख रेख करते हैं। इन्हीं के माध्यम से पूजा पाठ होता है। तो इस मंदिर का कितने लागत से बनाया जा रहा है? अभी इस मंदिर में लगभग 45 से 55 लाख रुपए लग चुका है, 45 से 50 लाख रुपया, और लगभग 60 से 70 लाख रुपये भी और लगना है इसमें। मार्बल लगना है इसमें, गेट लगना है स्टील का, और बहुत तो काम है अभी। इस जगह पे कहाँ कहाँ से लोग आते हैं पूजा करने? पूरे तमाम भारत के पूरे तमाम उधर आपका बंगाल से आते हैं, पटना से आए हुए हैं, आपका यूपी से आए हुए हैं, मुंबई से हैं, मुंबई इलाहाबाद, तमाम पूरे भारत के लोग जहाँ जहाँ यहाँ से गए हैं लोग, वहाँ से लोग आते हैं पूजा करके जाते हैं। पूजा शुरू होता है अमावस्या के रात में 12 बजे से बलि शुरू होता है, बकरा बलि, जो अनवरत सुबह 4 बजे तक चलता है। पुनः दूसरे दिन अमावस्या के सुबह 7 बजे से अभी तक चल रहा है 3 बजे तक, और फिर रात्रि संध्या भोग होगा। फिर कल दूसरे दिन द्वितीया को 8 बजे, फिर सुबह से जो पूजा आरंभ होगा 7 बजे तक, फिर शाम को 3 बजे तक, शाम को विसर्जन इनका होगा तालाब में, बड़ी तालाब है वहाँ जाकर विसर्जन हो जाएगा। तो इस जगह के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, ये कहाँ पे स्थित है ये मंदिर? ये विष्णुगढ़ के ग्राम रमुआ में अवस्थित है, इसके पीछे ठीक राम मंदिर है, इसके बाएं साइड में कन्या उच्च विद्यालय है, प्रोजेक्ट हाई स्कूल है। तो यहाँ पे मेला कब से है? यहाँ पे लगता है मेला लगता है अमावस्या के रात से।
अमावस्या के रात से तीन दिनों का अमावस्या का रात आज और फिर कल 3 दिनों का मेला है। इसमें बहुत भीड़, अभी कोरोना काल के चलते मेला में हम लोग उसको रोके हुए हैं। थोड़ा मोड़ा लोग मनोरंजन के लिए खेल लाता है, बड़ा चरखी वगैरह नहीं आ रहा है, जो बड़ा चरखी वगैरह आता था अभी वैसा नहीं हो रहा है। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा बाबा से बातें और इस मंदिर के बारे में जाने। तो ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय माता दी, जय माता दी।